और उससे भी बड़ी और दुखद बात, एक मासूम जो है वो मैनहोल में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए उसकी उसकी मां की दशा, उसके मां बाप की दशा इस वक्त क्या है। खुले मैनहोल में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। पटना के अगमकुआं इलाके की घटना है ये, और इसी तरह से न जाने कितने खुले मैनहोल होंगे। तस्वीर धुंधली है मगर नीतीश के सुशासन की तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मां बदहवास है, रो रही है, मगर शायद उसकी चीखें मुख्यमंत्री के कानों तक, प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये वो सरकार है, ये वो सरकार है जहां पे मुजफ्फरपुर जैसा कांड हो जाता है, जहां पर मासूमों का बलात्कार होते रहता है, मगर जो लोग इसे अंजाम दे रहे होते हैं वो लोग खुलेआम घूमते हैं, उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं। उत्कर्ष, बेबसी का आलम है यहां पर, पूरी तरह से बेबसी का आलम है। आप देख सकते हैं मैनहोल में गिर के लोगों की मौत, अस्पताल में भी आप सुरक्षित नहीं। बेबस पटना के लोग हैं, क्योंकि बिहार में सत्ता हासिल कैसे करनी है, नेता मुख्यमंत्री या जो भी विपक्ष के लोग हैं वो ज्यादातर वक्त इसी चीज में लगे रहते हैं कि उन्हें सत्ता कैसे मिलेगी। लेकिन आम जनता जो कि टैक्स पे करती है, जो इन लोगों को चुनती है, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये इसका इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। पटना नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर थोपता है। कल जब मैं आईसीयू में गया तो वहां मरीजों से बात, मरीजों का कहना है कि पानी आया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं हम लोगों को कि आखिर हम लोग इस पानी में कैसे रह रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन पर थोप रहे हैं, अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पटना नगर निगम पर थोप रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता पिस रही है, आम जनता। उत्कर्ष, मैं एक सवाल, एक त्वरित सवाल और त्वरित जवाब चाहूंगा कि सुशासन बाबू की पटकथा कहां बिगड़ गई? पटकथा अभिसार बिगड़ गई पिछले साल, जिस तरीके से पिछले सालों में चार साल में चार नई सरकार आई है, उससे कहीं ना कहीं सुशासन बाबू के जो सुशासन के दावे रहे हैं उनपे काला धब्बा लगा है, क्योंकि जो वक्त ज्यादातर सरकार का लगा है वो सरकार बनाने, मंत्रिमंडल के विस्तार, मंत्रिमंडल में कार्यों की जो वितरण होता है उसमें ही बीत गया, और किसी भी मंत्री को, किसी भी विभाग को अपना काम करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल उत्कर्ष, आप मेरे साथ बने रहिए। दरअसल बिहार में बारिश और बाढ़ से हाहाकार है, लेकिन मंत्री सैर पर है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। हमें बिहार के कैबिनेट मंत्री मंगल पांडे मिले, जब हमने नालंदा मेडिकल कॉलेज में पानी भरने पर उनसे सवाल पूछा तो हुजूर बगैर जवाब दिए निकल गए। पानी जी, नालंदा मेडिकल कॉलेज में रुक रहे हैं भैया, एक बार रुक जाओ ना भाई। कम से कम अपने नाम का लिहाज कर लेते मंगल पांडे जी। रुकिए भैया, एक मिनट रुकिए, न जाने किस बात के लिए रुकने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पटना में तो लोगों की जिंदगियां थम गई हैं। आप पूछिए उन लोगों से जो आईसीयू में भर्ती हैं, जब अपने आसपास पानी देख रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। आप पूछिए उन बालिकाओं से जिन्हें मुजफ्फरपुर में किस कदर जघन्य अपराध का सामना करना पड़ा, तो वो बेबसी आपको हर हलके में दिखाई देती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।